बोलना कैमरे में देख के, बोलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। ये बहुत बिगड़ गई है आजकल, पीटी करती है मेरी। नहीं बोलेगा, अब देख रहे हैं आपको कैमरे में। बोलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस देखो ये कितनी जंगली हो गई है यहाँ पे आके। डिया क्या सीखा आपने? अच्छा ठीक है, बोलो हेलो, बोलो कैमरे में देख के बोलो हेलो। बोलो हेलो गाइस, सुप्रभात। पहले तो आपने इंग्लिश में बुलवाया था, उसमें भी मारो। चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग नहीं करते, गुड मॉर्निंग से दिक्कत है। बोलो हेलो गाइस, सुबह हो गई है, अब मैं पापा के साथ। अच्छा गाइस, दो लाइन में मत बोल, पापा की लाइन में बुलवा, कोई भी चीज बोलते है। भाई मैंने इतनी ट्रेवलिंग करी, मैं आके सो गया। निया है ना, निया इतना बदमाश हो गया कल तो नया, इसके बालों की हालत देखना एक बार कैसी हो रही है। भूत लग रहे हो, वो देखो भूत है, आप तो भूत लग रहे हो। गाइस कल मैं आया ना, इसने मुझे थोड़ी देर प्यार किया, ओनली थोड़ी देर। थोड़ी देर प्यार करने के बाद फिर मेरी ऐसी पिटाई करी ना, मैं भूल नहीं पाया उस पिटाई को। रात को केकड़ा कैसे बनता है पता ना? अरे नहीं भूला, बनता है भाई। और शेर कैसे बनते थे आप? शेर भी ध्यान है। बिल्ली, मोर कैसे करता है? सब याद है, आप सिखाऊंगा इसको नई नई चीजें। अभी इसको निलाते हैं। देखो नानी, देखो क्या कर रही है, सुबह सुबह सब्जी बना रही है नानी, मेथी के पराठे बना रहे पराठे। देखो गाइस सोनम तो अभी सो रही है, 9 बज गए। ये देखो, देखो बोलो जाओ, गुड मॉर्निंग हो गई। कहाँ है टंकी, कहाँ पर है? हीरा। और राजकुमार कहाँ पर है? मैं खुद राजकुमार है, मम्मा टंकी है। बच्चा को भूत खा जाएगी, बच्चा को नहीं खाएगी भूत। डंकी से जनता सवाल पूछना चाहते, डंकी आप इतने लेट तक क्यों सो रहे हो? नींद बहुत आती है, पिछले 3 सालों में मेरी नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो दूसरे बच्चे को सोच के और रुका चाहती है। आप करते हो, लो ये ब्लॉक करेंगे हम। बोलो तो चुप खाएंगे, ठीक है चुप हो गया। बोलो करो ब्लॉग। हेलो गाइस, उठो ना, रुक रुक जा ना। देख रहे हो भाई इसको, सेल्फ व्लॉगिंग कर रही है। ए पापा, ए मम्मा। चलो निया और पापा है ना, क्या लेकर आएंगे बाहर से है ना, अंडे लेकर आएंगे। अंडे खाओगे आप? हाँ। अंडे खाती है मेरे साथ बचपन से, बहुत दिन से अंडे छोड़े हुए इसने। मैं लगा लेती हूँ। अच्छा मैं लगा लेती हूँ, लो इसको लिपस्टिक मिल गई, कह रही मैं लगा लेती हूँ। थोड़ा सा लगा लेती हूँ, लगा लो फिर। निया मम्मा के भी लगा दो लिपस्टिक। तो गाइस इसको आज कुछ नया मिल गया है। ये किसकी है? मम्मा की है। तो पापा के बैग में क्या कर रही है? नहीं, मंगाई थी, मैं ले कर आया हूं। गाइस इसके ना, इसके पापा के बैग में इसको अलग अलग चीज मिल रही है। तो मम्मा मैं ये ले लूं, मैं ये ले लूं। तो गाइस वीडियो आगे शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है जैसा कि बच्चे नॉर्मली पानी बहुत कम पीते हैं और उनको पानी ग्लास से पिलाना पड़ता है जिसमें उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आता। एंड बच्चे जब भी घर से बाहर जाते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग पे हो चाहे वो स्कूल हो, तो वहाँ पर ग्लास से पानी देना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बच्चों को ज़रूरत होती है एक ऐसी बॉटल की जिससे वो पानी सिप सिप करके आसानी से पी सके। इसलिए मैं यहाँ आपके लिए लेके आई हूँ लव लैब का प्रीमियम स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ सिपर, जो बनता है SS304 स्टील से। ये BPA फ्री है, डोर फ्री है एंड रस्ट फ्री है, एंड इसकी कैपेसिटी है 280 ml। ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये वन टच स्पॉट ओपनिंग के साथ आता है, मतलब बच्चे इसको इजीली वन टच से ओपन कर सकते हैं। एंड गाइस इस बॉटल में आपको इजी पोर्टेबल डिजाइन एंड हैंडल मिल जाता है जिससे बच्चे इस बॉटल को कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, जिससे बच्चों को इसको कैरी करना तो बहुत ही आसान हो जाता है। गाइस इस बॉटल के मेरे पास दोनों ही कलर अवेलेबल है, रेड में भी मिल जाएगा आपको और ब्लू में भी, बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन के साथ आता है। इसके डिजाइन और कलर को देख के बच्चा बहुत ही अट्रैक्ट होता है और हैप्पीली पानी पीता है। बच्चों को पीने के लिए यहाँ पे सॉफ्ट स्लीकन स्पॉट मिल जाता है जिससे बच्चे सिप सिप करके अच्छे से पानी पीते हैं। इस बॉटल का बेस्ट पार्ट है कि इसमें आपको वाइट माउथिंग मिल जाती है, मतलब आप इसे इजीली खोल के पोरिंग कर सकते हैं, इजीली पानी इसके अंदर भर सकते हैं। बच्चे इसको आराम से वन टच में बंद भी कर सकते हैं।
इस बॉटल में आपको लीक प्रूफ सील मिल जाती है एंड इसकी सबसे अच्छी बात है ये इजी टू क्लीन है एंड वाइड माउथ होने की वजह से इसको आप इजीली क्लीन भी कर सकते हैं एंड सबसे अच्छी बात है ये टॉडलर इसको आसानी से होल्ड कर सकते हैं। सो इसीलिए गाइस लव लैब का स्टील सिपर मेरा फेवरेट हो गया है क्योंकि जब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया है तो निया तो बहुत सारा पानी पीने लगी है बिकॉज इसके प्यारे प्यारे से जो कलर है और ये प्यारे प्यारे जो अट्रैक्टिव डिजाइन है निया को बहुत अट्रैक्ट करती है। इस बॉटल के मुझे दोनों ही कलर बहुत ही प्यारे लगे इसलिए मैंने ये दोनों ही बाय कर लिए। निया इन दोनों को ही यूज करती है। सो गाइस मेरी तरह आप भी अपने बेबी के लिए ये लव लैब का स्टील सिपर ट्राई कर सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक नाउ। निया पापा की गाड़ी कहाँ पर है? वो रही। वाओ, निया को तो पापा की गाड़ी पता है। तो गाइस हम ले आए निया को गाड़ी में, चले नहीं अब पक्का। पॉमिज कैसे करते हो आप? पॉमिज दूसरा गाना लगाते हैं, ये अच्छा नहीं है। ओके अभी हम निया के लिए गाना चेंज करते हैं। ओए होए गाना देखो कितना जबरदस्त चल गया गाइस सुबह। निया आपके लिए देखो पापा क्या लाए। अरे वाह, अब चलो सीट पे चलो। क्या हो गया, मजे आ गए? खोले पापा, पहले जेम्स बाद में खाना, इसको यहाँ पे रख दो, है ना। आप ही किए, पहले चॉकलेट खाएंगे। मैं खोल दूं? और निया ने तो सारी जेम्स निकाल ली, मजे आ गए निया को तो। ये देखो गाइस निया को नारियल पानी पिला दिया हमने। गाइस अभी सुबह सुबह आ गए नारियल पानी लेने के लिए निया के लिए। निया को जो फेवरेट चीजें लगती है ना, आज मैं बहुत दिनों बाद में आया हूँ तो सारी चीज निया की फेवरेट मिलेंगी, है ना। लड़ाई नहीं करूंगा बेटा, अब आप खा पी लो। तो गाइस दिल्ली में तो मैं रोज जिम में जाके अपना कार्डियो करता था, अब मैं जयपुर आ गया तो जयपुर में कहीं और बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर के अंदर ही ट्रेडमिल है। ये देखो घर के अंदर ही अपना कार्डियो चल रहा है, हम 20-25 मिनट कार्डियो करेंगे यहाँ पे। तो गाइस निया भी देखो जिम कर रही है, 10 दिन चलते रहो चलते रहो। हाँ नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगा ना, चल रहा है देखो, बढ़िया ट्रेडमिल कर रही है देखो निया। स्पीड थोड़ी कम है, छोटा होना पापा, 1.5 की स्पीड पे कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है? मैं ट्रेडमिल कर रहा था कल से, जब से मैं आया हूँ ना, आपने देखा होगा सुबह से मेरी जिप की हुई है। अभी देखो ट्रेडमिल कर रही है, मेरे को भी करनी है। निया की तो छकल ही नहीं निकली है। क्या मजा आ रहा है, बड़ी मुश्किल से तो बदन बढ़ता है, बच्चों को तो क्यों घटा रहा है रहने दे। चलो निया बंद कर दो अब। नहीं, क्यों क्यों, आपका मुंह गंदा हो रहा है, नहीं नहाना है आपको। गाइस रोज निया ना बहुत रोती है पर आज इसके पापा ने नलाया बिल्कुल भी नहीं रही, चू भी नहीं करी इसने आज। सरदार सरदार वही सरदार सरदार दे बच्चे नहीं, शक्ल देखना इसकी, बहुत मशगूल है अभी। ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ और आपको नहीं लेके जा रहा, ठीक है आ रहा हूँ बाहर, ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। ओके फोन नहीं छोड़ पा रही, देखो भाई ये देखो फोन में भी इतनी मशगूल है। तो आज निया को मैंने नहलाया, बिल्कुल चुपचाप नहा ली, इतने दिन से इनको इतना परेशान करती है, बिल्कुल नहीं नहाती इनसे। कई दिन में मिला ना, 2-3 दिन प्यार दिखाएगी, उसके बाद मेरे को भी लात मार देगी। सोनू है ना, मुझे है ना अपनी मार्कशीट दिखा रहा है कि मैं सब में फर्स्ट डिवीजन आया था। ये देखो देखो फर्स्ट डिवीजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान फर्स्ट। 12th में फर्स्ट डिवीजन देना सोनम तेरी, हमेशा फर्स्ट टाइम। अच्छा कभी भी ना तो फेल हुई ना सेकंड में तो हुआ फेल। नहीं फेल नहीं हुआ, ये मजाक कर रहे। वो मैथ में सप्लीमेंट्री बोलते जिसको पापा फेल हो रखे तो मतलब फेल होने वालों ने इतिहास रचा है। जो जो फेल होता है वही जिंदगी में वही जिंदगी में कामयाब बनते हैं, बैक बेंचर ही हमेशा आगे आते हैं। ठोकर खा के आदमी ठाकुर बनता है। वो तो मैंने छोड़ दी है, ऐसे नहीं मेरा मुकाबला नहीं है। निया पढ़ाई करेगा, ये पलाई करती है, पलाई करती है और नर्सरी से जाएगी। यार स्कूलों में कितनी कितनी फीस है, 5-5 लाख हम कहां से देंगे इसको, वैसे स्कूल में डालेंगे हम सरकारी में, सरकारी में डालें। हाँ पलाई करना वहां पे जाके, ऐसी पलाई मत करो, चलो हटो। सुन गिट्टी सी, गिट्टा पंजाबी, सुन सुन गिट्टी सी चल, अरे चल यहाँ से। निया अपन तैयार होके कहाँ जा रहे हैं, ये मेरे को भी दे दो यार प्लीज। निया ये लो और भी दे दो, नहीं सारे दे दो मुझे, सारे मुझे सारे चाहिए, मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा एक और दे दो प्लीज, एक और दे दो बस, एक और
ये लो, ये 200 दे दो। हाँ आपने अपने लायक पैसे रखे हैं इसने। निया क्या हो गया? हवा आ रही है कैसे? गाइस ये है ना मुंह मुंह मतलब होठों को बिना टच करे करे बोल देती है। अच्छा दे 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 दे, मैंने यहाँ से ठीक किया नहीं है, मेल्ट हो गया। अब ऐसे काम मीना वाली दिखाई दी गई, यहाँ से ठीक किया मैंने। से तो नहीं बोलेगी ना कि गाइस हमने यहाँ से होल किया है। होल कर दिया ना नीलू ना। गर्मियों के अंदर डेयरी मिल्क वाली जो चॉकलेट होती है ना वो मेल्ट हो जाती है, तो इसको करना क्या है, थोड़ा सा फाड़ो आप, ऐसे निकालो और फिर ऐसे अपने बच्चों को, पागल बच्चों को दे दो। क्योंकि ये पागल बच्चे हमारी जान खा लेते हैं। गाइस निया को कोई चॉकलेट नहीं देता है, इसको अब चॉकलेट मिली है, वो भी मैं दिल्ली से आया हूँ ना। हम लोग बिल्कुल प्रिफर नहीं करते निया को, बिल्कुल चॉकलेट के आगे नहीं डालते, जिद भी नहीं करती है, ज्यादा जिद नहीं करती। घर का ही खिलाते हैं इसको, काजू बादाम इन सब चीजों की आदत डाल रखी है, लेकिन वो ये ना कभी कभी बच्चे जिद करते हैं तो दे देते हैं भाई। आज संडे और आज हम आगे जीटी साइड में, सोनू यार तो बहुत गलत दिन लेकर आई यार, तो भीड़ होगी बहुत ज्यादा यार। संडे इज अ फन डे। हाँ यार संडे के दिन तो ना हर किसी के लिए फन डे ही होता है यार, सबको नौकरी से एक दिन की छुट्टी मिलते हुए सैटरडे संडे सभी मजे करते हैं। हमारे तो थोड़े ना वेले, हम तो वेले है भाई, हम रोज मजे करते हैं। नहीं हूँ भाई वेला, मैं नौकरी करता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं, मेरे को इतनी बद्दुआ लग चुकी है लोगों की। नौकरी करवा दी साल भर से, मैं साल भर से नौकरी करने नहीं आ रही बंदे की। तो गाइस संडे की वजह से भाई जीटी साइड इतना रश है आज, तो अभी तो फिर भी कुछ नहीं, हम थोड़ा जल्दी आ गए। जूडियो देखो कितनी तरक्की कर रहा है, वो देखो सामने जूडियो खुल गया। जूडियो जयपुर में बहुत पहले से है, पिंक स्क्वायर मॉल में था सबसे पहले। चीप रेट ना अच्छी चीज मिलती है, चीप रेट में बढ़िया चीज मिलती है, तो हम गरीबी तो है, हम भी तो चीप ही है। जीटी साइड कितनी तरक्की कर रहे हैं देखो, कितने सारे मॉल खुल गए। गाइस पहले कुछ भी नहीं था, जब स्टार्टिंग में थे तो बहुत कम चीजें थी, अब तो यहाँ पे पूरा हब बन गया है। ये देखो जूडियो के अंदर, और भाई भीड़ देख सोनम, जूडियो में कितनी भीड़ है। निया निया कार में बैठेगा? तो गाइस अभी निया है ना कार के चक्कर में रोने लगी, कार में बिठाएंगे आपको आगे जीटी के साइड में, ठीक है बेटा? जीटी के साइड में बैठेगा, पूछ ही देते पापा जब बिठाएंगे। आओ निया आ जाओ। गाइस भीड़ इतनी ज्यादा हो रखी है ना यहाँ पे, हमारा कुछ लेने का भी मन नहीं कर रहा, तो अभी हम लोग चल रहे हैं वापस बाहर। इस संडे के दिन है ना, कभी भी आना नहीं चाहिए, लेकिन हम निया को घुमाने के लिए लाए थे और निया गाड़ी के हो गया चेप। ऑलमोस्ट सारा क्राउड वीडियो में गया, सब में से गायब हो गया, क्योंकि सच में वीडियो में अच्छा कलेक्शन आ रखा है यार, और भीड़ बहुत हो रखी है ना सारा, मैं कहता हूं सारा क्राउड वहां चला गया, इनमें कौन जाएगा अभी। वेस्ट साइड वालों की भाई रेल मार दी जूडियो ने यहाँ पे खोल के, क्योंकि इसमें पहले इतना क्राउड रहता था, यहाँ सारा क्राउड चला गया। हालत देखो इस किप कबूतर की, गुब्बारे देखती है गुब्बारे मांगने लग जाती है, बुढ़िया के बाल देखती है बुढ़िया के बाल मांगने लग जाती है, अब कह रही है पापा मुझे है ना गाड़ी में झुलाओ, गाड़ी में झूलेगा। गाइस सोनम की यहाँ पे दुकान है, बच्चों को झूला झुलाती है पार्ट टाइम। ये देखो ये बाइक खड़ी पुलिस वाली, सही है। पुलिस वाली बाइक, कह रहा मेरा पति पुलिस में, राइड करवाऊंगी फ्री में। राइम बन गया वो देखो, हमेशा मारुति चलाती थी, इस बार नहीं अपग्रेड कर गया अपनी थार के ऊपर। ये हो गए भाई इस लड़की के तीन चक्कर पूरे, ये देखो। तो गाइस अभी आए हैं भाई बर्गर किंग में, और देखो निया देखो छुपन छुपाई खेल रही है, पहले मेरे पास आ रही है, आराम से बेटा आराम से, आप कहाँ जाएंगे, मम्मा को पकड़ोगे, वो देखो वो पहुंच गई मम्मा के पास। निया क्या खाओगे आप, फ्राइज खाओगे क्या आप? पूरी चकरी मार रही है, सभी लड़कियों को हाई करके आ रही है, जो भी यहाँ पे बैठी है ना। निया की बात है, लड़कों को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती, लड़कों पर्सनली बता रही हूँ, बड़ी होके करेगी, अभी नहीं करती, लड़कियाँ अच्छी लगती। निया आपने तो सारी प्राइस खत्म कर दी, पापा के लिए कुछ छोड़े भी नहीं, सारी प्राइस खा गए, मेरे को कुछ भी नहीं बचाया आपने, आप बहुत बेकार हो, थोड़ा तो बचा देते पापा के लिए। ऐसी गाइस ऐसी बात नहीं है, मैंने और निया ने मिलकर ही खाई है, तो ये दोनों प्राइस खत्म करिए। सोनम को यहाँ पे वहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, अभी सोच रही है यहाँ पे कुछ मिल जाए, जीटी के अंदर कुछ मिल जाए। सोनम कहाँ पर है वो ओटीबी? ऊपर तू गई है ना वहाँ पे, बियर भी पिए ना तूने वहाँ पे? मैं तो देख बार बियर नहीं पीती मैं।
शॉपिंग तो मेरे को भी करनी थी, लेकिन है ना कुछ चीज मेरे को पसंद आई थी, लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर से आएंगे दोबारा से, है ना निया? फिर से देखो एक्सीलेटर पे चढ़ने का शौक देखो इसका, पैर उठा के रखना, कैसे रखेगा उठा के रख, वेरी गुड। बच्चों का कुछ भी दिखता है ना अच्छी पक जाता है, छोड़ तोड़ना नहीं है, एक चीज दिला दे निया को, देखो एक बार निया को टॉय मिल गए आप यहाँ पे इतने सारे, और पागल हो रही है, कभी कुछ देख रही है कभी कुछ देख रही है, कभी कह रही मुझे डॉल चाहिए कभी कुछ चाहिए डॉल। सोनम ने देखो क्या लिया है, बड़े मॉल में ये काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया बड़े मॉल में कर दिया, तो शर्म थोड़ी ना, हाँ ठीक है ठीक है, आप बच्चे को रिझाने के लिए हम ये सारे काम करते हैं, सोनम एंटरटेनमेंट करने के लिए कर रही है, ये देखो कितने सारे बलून गाइस, ये बलून वाला बच्चों को खुश करता है मॉल में आके। चलो अब घर पे चल के गाइस, अभी हम रुक गए हैं भाई रास्ते में कुछ आपसे इम्पोर्टेंट बात करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये लड़की हमें कोई बात नहीं करने देगी, सारे मतलब वहाँ पे मॉल के अंदर हम पागलों की तरह बलून फुला रहे थे इस लड़की के लिए, मतलब कोई देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा इसके माँ बाप पागल है, मॉल में सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, हम निया के लिए बलून फुला रहे हैं और ये वहाँ बलून से खेल रही है। तो गाइज अभी हम इसलिए रुके थे कि आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर करनी थी, तो क्या है वो सोनम ही बताएगी। थोड़ा देख लेती हूँ ऑडियंस को, मुझे देख रहे हैं लोग, सो गाइज मेरे चेहरे पे थोड़ा सा ग्लो आ रहा है, सो गाइज जैसा कि आपको टाइटल दिखा हुआ है आपको पता है, सो आई मिस माय डेट, सो इट कुड बी प्रेगनेंसी, ऐसा हम होप कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है हम सेकंड चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो देखो आगे क्या होता है, 7 to 8 days ऑलरेडी निकल गए हैं, बाकी देखो हम चेक करते हैं, देन विल बी कन्फर्म, देन आपके साथ शेयर करेंगे, सो गाइज टेस्ट करके कंफर्म करेंगे एंड देन आपके साथ जो भी होगा हम शेयर कर देंगे, तो वैसे होप फॉर द बेस्ट, हम लोग बहुत ही पॉजिटिव होप कर रहे हैं, हाँ क्योंकि तो हमारा मतलब ऐसा था कि मतलब करे सेकंड बेबी प्लान और ना करे, हम थोड़ा कंफ्यूज थे, लेकिन ठीक है अगर हो जाता है तो सही है, क्योंकि निया भी तीन साल की तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल के आसपास साल की निया हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात क्या है ना आजकल बच्चों को ढूंढती है, निया को अपने भाई बहन चाहिए भाई, अब हम कहाँ से लाए बच्चे, अगवा थोड़ी ना कर सकते किसी के बच्चे, ये सारे बच्चों के पीछे भागती। तो गाइज होप फॉर द बेस्ट एंड हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे एंड जितने भी व्लॉग्स रहेंगे अरे आते रहेंगे चैनल के, शेयर करेंगे हम लोग, तो आपको करना क्या है, आप मैं ड्यूटी बहुत करता हूँ भैया, मैं आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा, मैं जयपुर 20 दिन के बाद में आया हूँ, सीरियसली आपको बता रहा हूँ, बीच बीच में हम लोग कैसे कैसे व्लॉग्स मैनेज कर रहे थे, थोड़ा लेट डाल रहे थे जिस वजह से, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, एंड ऐसा एक और कबूतर आ जाए हमारी जिंदगी में तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल निया जैसा हो, चलो गाइस बाय बाय टेक केयर, अपना ख्याल रखो, जब तक के लिए निया बाय बोल दो सबको, बाय बाय, कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है।